हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर। मगर इस बार हम जो है एक और नया कंसेप्ट इस एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करेंगे, जो कि है कस्टम कलेक्शन व्यू। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने आपको बताया था कैसे आप टैब्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर उस वीडियो के अंदर हमने टेबल व्यू को जो है इम्प्लीमेंट करना बताया था डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के व्यू कंट्रोलर्स के अंदर। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम आपको जो टैब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट व्यू कंट्रोलर्स हैं उनमें आपको कस्टम कलेक्शन व्यू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने एक ग्रॉसरी शॉप के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और इस एप्लीकेशन को आप सिमुलेटर के अंदर देख पा रहे हैं। नीचे टैब्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं, और जो मिल्क वाली टैब है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है, और मिल्क के रिलेटेड जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसे ही मैं किसी और टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बटर वाली टैब के ऊपर क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं सारे का सारा जो व्यू कंट्रोलर का जो व्यू है वो चेंज हो चुका है, और कलेक्शन व्यू के अंदर अब जो प्रोडक्ट्स फिल्टर हुए हैं वो ओनली बटर के रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कैसे ग्रिड फिर से अपनी जो फॉर्म है वो चेंज कर चुका है, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब डिफरेंट यहां पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं ऑयल वाले टैब पे क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं यहां पे फूड ऑयल के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले हो चुके हैं। हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है टैब्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना, ताकि हम प्रोडक्ट्स को टैब्स के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर पाएँ, और साथ में एक नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं ताकि आप कलेक्शन व्यू को किस तरीके से यूज़ करें टैब्स के व्यू कंट्रोलर के अंदर वो भी सीख पाएँ। तो चलिए, ये थी हमारी वर्किंग एप्लीकेशन की जो आज हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है। मगर उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ ऐसी थ्योरी के रिलेटेड टर्म्स जो इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्लास जो है वो एंटर होनी चाहिए, जो कि है यूआई टैब बार कंट्रोलर, और ये यूआई व्यू कंट्रोलर की ही एक सब क्लास है। टैब बार कंट्रोलर करता क्या है, वो मैनेज करता है काफ़ी सारे व्यू कंट्रोलर्स को, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैनेजेस एन एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर। एरे का मतलब मैनी नंबर ऑफ व्यू कंट्रोलर्स को ये मैनेज कर सकता है, क्योंकि यूआई टैब बार कंट्रोलर से पहले हम जो है यूआई टैब बार को यूज़ करते थे, जिसमें हमें ओनली 5 टैब्स को इम्प्लीमेंट करने की ही प्रोविज़न थी। मगर जैसे ही हमारे पास एक्सकोड के थ्रू स्विफ्ट की हेल्प के साथ यूआई टैब बार कंट्रोलर अवेलेबल हुआ, अब हम मोर देन 5 जो व्यू कंट्रोलर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और इन केस आप नंबर ऑफ टैब्स अगर 5 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एट ए टाइम तो 5 ही डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पे, मगर एक ऐसी टैब होगी लास्ट में जिसका नेम होगा मोर टैब, और अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो रिमेनिंग टैब्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टैब बार कंट्रोलर की, तो वो 2 सब क्लासेस से मिलके बना हुआ है। एक तो आप बॉटम पे टैब बार का जो व्यू है वो देख रहे हैं, जिसमें टैब्स डिस्प्ले हो रही हैं मिल्क, बटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑयल, और एक है हमारे पास व्यू जिसमें आप डेटा जो है करंट टैब के अकॉर्डिंगली जो है वो देख पा रहे हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं कलेक्शन व्यू की। तो आईओएस के अंदर ही एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है यूआई कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को, और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ अपने कस्टमाइजेबल लेआउट के थ्रू। तो एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है कलेक्शन व्यू,
डेटा यूज़र को प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप किसी डेटा सोर्स से डेटा को लेके उसे ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बेस्ट जो यूआई एलिमेंट है वो है कलेक्शन व्यू। तो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ आप सेम जैसे टेबल व्यू में आप डेटा सोर्स से डेटा लेके उसे डिस्प्ले करवाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसमें आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम्पल के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये एग्ज़ाम्पल आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप ईजिली जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप ही डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और इस पूरे के पूरे फोल्डर में मैं पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मेरे पास बिल्ड सेटिंग्स में देख पाएँ तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और जो स्विफ्ट का वर्ज़न हम यूज़ करेंगे वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1, और मेरे पास जो लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो अगर आपके पास एक्स कोड के अंदर जो वर्ज़न है वो इस वर्ज़न से ज़्यादा है, तब भी आप इस एग्ज़ाम्पल को इसी तरीके से जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो अब सबसे पहला जो काम है इस एग्ज़ाम्पल को डेवलप करने के लिए वो है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो आप इमेजेस यहाँ पे देख पा रहे हैं हर एक प्रोडक्ट की, तो ये इमेजेस आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो होनी चाहिए। आप चाहें तो JPG फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर PNG फॉर्मेट इमेजेस का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट से ईजिली इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रॉसरी का एक फ़ोल्डर है, और इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स जो है वो बना के रखे हुए हैं, और लास्ट में जो है वो आइकॉन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टैब्स के अंदर मैंने एक आइकॉन जो है वो लिस्ट का जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। ये आइकॉन भी आप ईज़िली एक वेबसाइट है icon8.com, उससे आप ईज़िली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट है, आइकॉन्स है, ऐसे ज़रूर लगाना आप। और यहाँ पे जैसे ही मैं शॉपिंग लिखूँगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो आइकॉन्स हैं वो यहाँ पे iOS के रिलेटेड आप ओपन कर सकते हैं, और उनको ईज़िली जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जो इस आइकॉन की जो डायमेंशन हो वो आपके पास होनी चाहिए JPG या PNG फॉर्मेट के अंदर, और जो उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 पिक्सल तक बहुत है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको 30 पिक्सल तक जो आइकॉन है वो मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अब वन बाय वन हर एक फोल्डर की जो इमेजेस हैं उनको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। इसी तरीके से सेकंड फोल्डर की भी जो इमेजेस हैं मैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। थर्ड नंबर पे जो इमेजेस हैं उनको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इस तरीके से फोर्थ नंबर पे जो इमेजेस हैं फोल्डर के अंदर उनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पे जो आइकॉन वाला जो इमेज है उसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो इमेजेस मेरी हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अपना जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करना है, और इसको डेल की को प्रेस करके डिलीट कर देना है, क्योंकि हम टैब बार कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, और उसके साथ हमें दो व्यू कंट्रोलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मिलते हैं। तो मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ,
अब मैं यहाँ पे टैब बार कंट्रोलर को सर्च करने की कोशिश करूँगा, और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं इस वाले यूआई एलिमेंट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो हैं व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एज ए टैब्स यहाँ पे मेरे पास टैब बार कंट्रोलर के अंदर जो है वो मिल चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से टैब बार कंट्रोलर मेरे पास अवेलेबल है। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ किस तरीके से हमने दो और टैब्स जो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर लिखूँगा और इस व्यू कंट्रोलर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये हो गया मेरा थर्ड नंबर पे, और फिर से इसी व्यू कंट्रोलर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ये मेरा हो गया यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप। अब आपने इन दो नए व्यू कंट्रोलर्स की जो कनेक्टिविटी है वो टैब बार कंट्रोलर के साथ करनी है, तो उसके लिए मैं इस टैब बार कंट्रोलर पे क्लिक करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा व्यू कंट्रोलर, और इसी तरीके से टैब बार को फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे रिलेशनशिप जो सेगवे है वो आपने करना है व्यू कंट्रोलर। तो चारों की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैं किसी टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो नेम है वो डिस्प्ले होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बटर मिल्क, और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो नेविगेशन कंट्रोलर को किस तरीके से यूज़ करना है वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आइकॉन के थ्रू, इस एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू आपने सेलेक्ट करना है नेविगेशन कंट्रोलर, और इसी तरीके से सेकंड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और एम्बेड इन करते हैं नेविगेशन कंट्रोलर। इसी तरीके से आपने चारों व्यू कंट्रोलर के साथ नेविगेशन कंट्रोलर को जो है वो ऐड करना है। तो मैं तीसरे वाले के साथ भी ऐड कर देता हूँ और इसी तरीके से चौथे वाले के साथ भी जो है वो ऐड कर देता हूँ नेविगेशन कंट्रोलर। अब हमने हर एक के टाइटल के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू टाइटल में लिखना है पर्टिकुलर कैटेगरी का नेम, जैसे मिल्क, सेकंड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटर, और अब आप देख सकते हैं थर्ड पे है सॉफ्ट ड्रिंक और ऑयल, तो मैं यहाँ पे थर्ड वाले पे लिखता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक, और लास्ट वाले पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड ऑयल। चलिए अब हमने हर एक यहाँ पे जो आप नीचे टैब देख रहे हैं इसको भी हमने एडिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरे पास, आप देखिए यहाँ पे है मिल्क, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके पहले नेविगेशन कंट्रोलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मिल्क, और जो इमेज है वो मैंने आइकॉन सेट करना है तो वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा चेक आइकॉन एंटर। तो यहाँ पे आइकॉन भी आ चुका है और साथ में हमने जो नेम है टैब का वो भी एडिट कर दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बटर, और नीचे हमने इमेज का नेम देना है चेक आइकॉन। चलिए इसी तरीके से तीसरे वाले को भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और टाइटल के अंदर लिखना है सॉफ्ट ड्रिंक, और जो इमेज है वो हमने करनी है चेक आइकॉन। चलिए इसी तरीके से चौथे नंबर पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी हम लिखेंगे जो भी नेम होगा पर्टिकुलर कैटेगरी का वो हम यहाँ पे लिखेंगे फूड ऑयल, और जो इमेज है वो हम करेंगे यहाँ पे चेक आइकॉन। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से चारों व्यू कंट्रोलर्स को जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वो हमने कर दी है। अब हम हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर उससे पहले हर एक व्यू कंट्रोलर के लिए एक क्लास जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि सब क्लास होगी यूआई व्यू कंट्रोलर की। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो अब हम देखेंगे किस तरीके से हमने करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैं साइड वाले जो पैनल्स हैं उनको अनहाइड करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ फोर न्यू फाइल्स। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू फाइल्स। अब आपने कोकोआ टच क्लास ऐड करनी है
और इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुपर क्लास हो वो यहाँ पे होनी चाहिए, यूआई व्यू कंट्रोलर क्लास। और ऊपर आप क्लास का नेम कैटेगरी के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जैसे मिल्क व्यू। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी तरीके से आपने अब तीन और जो कोकोआ टच क्लासेस हैं वो ऐड करनी है, और यहाँ पे वन बाय वन लिखना है। यहाँ पे बटर व्यू, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। अब फिर से न्यू फाइल, उसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे लिखेंगे व्यू, और इसको भी क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम एक और फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे कोकोआ टच क्लास, यहाँ पे लिखेंगे ऑयल, फूड ऑयल व्यू, और इसे भी क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए, चार जो मेरी व्यू कंट्रोलर के रिलेटेड क्लासेस हैं वो बन चुकी हैं। अब हमने इसको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो हमने फोर व्यू कंट्रोलर लिए हैं उनके साथ इनको एम्बेड करना है। सबसे पहले मिल्क वाले को यहाँ पे डॉट के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मिल्क। तो जैसे ही मिल्क लिखने की कोशिश करेंगे, मिल्क व्यू ऑटोमेटिकली जो नेम है पर्टिकुलर वो फैच हो जाएगा, तो हमने एंटर प्रेस करना है। और इसी तरीके से बटर वाले इसको सिलेक्ट करना है और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर लिखना है बटर व्यू। और इसी तरीके से थर्ड नंबर पे सॉफ्ट ड्रिंक इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक व्यू, इसकी भी कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे फूड ऑयल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फूड ऑयल व्यू, एंटर प्रेस करते हैं। तो चारों की जो कनेक्टिविटी है वो हमने कर दी है। अब हमने हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर कलेक्शन व्यू को जो है वो एम्बेड करना है। तो उससे पहले आप इस टैब बार कंट्रोलर को क्लिक कीजिए और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसको इज इनिशियल व्यू कंट्रोलर, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको आपने यहाँ पे चेक करना है चेक बॉक्स को, ताकि जैसे एप्लीकेशन रन हो तो आपका टैब बार कंट्रोलर जो है वो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब मैं हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर एक कलेक्शन व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को हमने वन बाय वन हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और बाद में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अब हम करेंगे। तो पहले व्यू कंट्रोलर में चला गया है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सेकेंड वाले पर भी हम एम्बेड करते हैं, इसी तरीके से थर्ड वाले पे, और इसी वे के साथ हमने फोर्थ वाले पे भी जो है वो एम्बेड करना है। तो चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि जो व्यू कंट्रोलर है, जो कलेक्शन व्यू है सॉरी, वो मोबाइल की जो रिमेनिंग स्क्रीन है उसको सारे की सारी स्क्रीन को कवर अप कर पाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे हर एक कलेक्शन व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले मैं पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, चारों साइडों पे 00 यहाँ पे एंटर करेंगे और अप्लाई करेंगे फोर कंस्ट्रेंट पहले कलेक्शन व्यू के ऊपर। इसी तरीके से सेकंड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं 00000 और ऐड करते हैं फोर कंस्ट्रेंट। इसी तरीके से थर्ड वाले को, और इसी वे के साथ फोर्थ नंबर वाले को भी जो है वो यहाँ पे 00 एंटर करके ऐड करते हैं फोर कंस्ट्रेंट। अब हर एक कलेक्शन व्यू के ऊपर हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे। तो साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे जो विड्थ है सेल की वो हमने लेनी है 200 विड्थ, 200 हाइट, और मिनिमम स्पेसिंग यहाँ पे सेल के लिए लेनी है 5। एंटर प्रेस करते जाना है साथ साथ। सेक्शन इंसर्ट में टॉप पे हम वैल्यू 2 लेंगे, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2, और इसी तरीके से इसको भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे 200 200, 5 5 2 2 2, और इसी तरीके से थर्ड नंबर वाले कलेक्शन व्यू के ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं 200 200 5, मिनिमम स्पेसिंग 5, टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे भी हम अप्लाई करते हैं 200 5 5
5202। तो यहाँ पे हमने चारों पे अप्लाई कर दिया है। अब हम हर एक सेल के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर, हम जो इमेज और साथ में जो लेबल है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हर एक सेल के अंदर। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि वन बाय वन हर एक सेल आप देख पाएँ। कलेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम पहले सर्च करेंगे इमेज व्यू, और इस इमेज को कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीसाइज करेंगे, और इसकी जो विड्थ है इस इमेज की वो हम लेंगे 180, हाइट लेंगे 140, और इसको कोशिश करेंगे हॉरिजेंटली अलाइन करने की। और अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू ही लेबल एक यूज़ करना है, और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इसकी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ पाए। यहाँ पे लिखते हैं मिलक, सेंटर में अलाइन करते हैं, इसका फॉन्ट 15 कर देते हैं, और इसकी जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड। और आप चाहें तो इसका फॉन्ट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किसी इमेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे जो पहला सेल है वो हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हमने इसी तरीके से इमेज को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे सेकंड सेल के अंदर, और इसकी भी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे रखनी है साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू 180, हाइट 140। इसको थोड़ा सा अलाइन कीजिए माउस की हेल्प के साथ। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद कोई भी एक बटर की जो इमेज है वो यहाँ पे आप लगा के देख लें ताकि आपको प्रॉपरली पता चल पाए कि किस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो पाता है। अब हम लेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो चलिए लेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉन्ट इसका 15 करते हैं, हॉरिजेंट सेंटर में अलाइन करते हैं, और इसका जो स्टाइल है वो हम कर देते हैं बोल्ड। कहने का मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने बार बार चारों पे जो है वो अप्लाई करनी है। फिर से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इसको रीसाइज करेंगे, और साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो विड्थ है वो हमने करनी है 180, हाइट 140, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू किसी सॉफ्ट ड्रिंक की एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख लें आप। अब हमने यहाँ पे लेबल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इसकी जो विड्थ है वो आप इंक्रीज़ कर दें, और इसका फॉन्ट जो है 15 कर दें, और इसको स्टाइल जो है बोल्ड कर दें, और अलाइनमेंट सेंटर में कर दें, और यहाँ पे लिख दें सॉफ्ट ड्रिंक। चलिए, चाहे तो इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। अब हमने फोर्थ नंबर पे इसी तरीके से पहले इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और इसका जो साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो विड्थ है वो हमने करनी है 180, हाइट 140, और इसको भी जो है यहाँ पे इस तरीके से अलाइन करते हैं। और फूड ऑयल कोई भी आप इमेज यहाँ पे लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके से ये डिस्प्ले हो पाता है। लेबल को अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट है 15, सेंटर में अलाइन, और कलर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूड ऑयल, और स्टाइल जो है वो यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो चलिए, अब हमने चारों सेल्स के अंदर इमेजेस और लेबल जो है वो एम्बेड कर दिया है। अब हम हर एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, लेबल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे यहाँ से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट। इस चेकबॉक्स को आपने अनचेक करना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे हाइट, यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स चारों सेल्स के अंदर अप्लाई करने हैं। और इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से उसी तरीके से अनचेक करेंगे इसको, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट, इस तरीके से हर एक इमेज के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट। यहाँ पे भी लेबल को सिलेक्ट करके टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट।
यहाँ पे भी इसी तरीके से हाइट, और इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनचेक करते हुए इस चेक बॉक्स को और हाइट यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। और इसी तरीके से चौथे नंबर पे भी टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट, और इसी तरीके से लेबल को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट। चलिए, चारों सेल्स के अंदर जो यूआई एलिमेंट्स थे उनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमने हर एक कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो वो किस तरीके से सेट करना है आपने, तो यहाँ पे मैं कलेक्शन व्यू पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर इसी तरीके से डेलीगेट। चलिए, दूसरे नंबर पे भी कलेक्शन व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, डेटा सोर्स और इसी तरीके से डेलीगेट। तो इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डेटा सोर्स सबसे पहले, और यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डेलीगेट, और यहाँ पे भी इसी तरीके से हम डेलीगेट और डेटा सोर्स जो है वो दोनों को सेट करेंगे। अब हमने, क्योंकि हर एक यूआई एलिमेंट, चाहे वो इमेज हो, चाहे लेबल हो, चाहे कलेक्शन व्यू हो, उसका हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करना है, मगर उससे पहले कलेक्शन व्यू का जो सेल है उसके लिए कस्टम क्लासेस जो हैं वो क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करेंगे, कोकोआ टच क्लास। इस बार जो हमने सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, जैसे मिल्क सेल, ताकि बाद में उसे डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी रहे। और यहाँ पे मैं एक और नई ऐड करता हूँ फाइल, फोर फाइल्स हमने ऐड करनी है, और ऊपर क्लास का नेम हमने लिखना है बटर सेल, और इसको भी क्रिएट कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करके। थर्ड नंबर पे एक और फाइल ऐड करते हैं, कोकोआ टच क्लास, यहाँ पे मैं लिखूँगा फूड ऑयल सेल क्लास, और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। इसी तरीके से न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, और ऊपर यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक सेल, और इसको भी क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने मेन डोर स्टोरी बोर्ड के अंदर जाने के बाद हर एक कलेक्शन व्यू के सेल के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे पहले कलेक्शन व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू का सेल है इसको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर। सबसे पहले आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिखेंगे सेल, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है उसका यहाँ पे नेम लिखने की कोशिश करेंगे उसकी क्लास का। तो मिल्क सेल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो चुकी है, एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आपने सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, उसके कलेक्शन व्यू को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे बटर सेल, एंटर प्रेस करना है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसके आइडेंटिफायर का नेम आपने लिखना है सेल। तो चलिए, थर्ड नंबर वाले को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कलेक्शन व्यू सेल को आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे सेल, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लिखने की कोशिश करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक सेल, एंटर प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे इसको सिलेक्ट करके कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लास का नेम यहाँ पे लिखेंगे फूड ऑयल सेल, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे सेल। चलिए फ्रेंड्स, हमने ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपरली कर दी है। अब हमने कोडिंग करनी है, कोडिंग करने से पहले मगर जो आईबी आउटलेट्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं हर एक यूआई एलिमेंट के, वो अब हम आपको बताएंगे। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि असिस्टेंट एडिटर। मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली है असिस्टेंट एडिटर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं माउस की हेल्प के साथ, और साइड वाले जो पैनल्स हैं उनको मैं आना हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ किस तरीके से जो है आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट होते हैं।
तो पहले मैं यहाँ पे जो क्लास यूज़ करूँगा वो करूँगा ऑटोमेटिक के थ्रू, यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो मिल्क सेल क्लास है उसको यूज़ करेंगे। और इसके अंदर इमेज का और लेबल का आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से। अब लेबल का, और अब हमने मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है मिल्क व्यू। यहाँ पे मैं मिल्क व्यू वाली क्लास ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने इस पूरे के पूरे कलेक्शन व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है इस तरीके से, माई कलेक्शन व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं चलिए सेकंड वाले बटर पे चलता हूँ। मैनुअल के थ्रू सबसे पहले मैं ओपन करूँगा यहाँ पे बटर सेल क्लास, और यहाँ पे इमेज का आईपी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए, और अब इस लेबल का आईपी आउटलेट, और अब मैं इसी तरीके से मैनुअल के थ्रू ओपन करूँगा बटर व्यू क्लास, और यहाँ पे मैं कलेक्शन व्यू का जो आईपी आउटलेट है वो क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कलेक्शन व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं फूड ऑयल, और मैनुअल के थ्रू जो क्लास मैं ओपन करूँगा वो करूँगा फूड सेल। यहाँ पे इमेज को कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप, यहाँ पे माई इमेज, और इस लेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप माई लेबल, और मैनुअल के थ्रू यहाँ पे मैं क्लास ओपन करूँगा फूड ऑयल व्यू, और इसके अंदर पूरे के पूरे कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बार बार करनी है हर एक व्यू कंट्रोलर के लिए। तो चलिए अब फोर्थ नंबर वाले जो टैब है उसके अंदर जो व्यू कंट्रोलर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक सेल, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैगन ड्रॉप, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई इमेज कनेक्ट, और इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करते हुए ड्रैगन ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब मैनुअल के थ्रू जो क्लास मैं ओपन करूँगा वो करूँगा सॉफ्ट ड्रिंक व्यू, और इसके अंदर इस पूरे के पूरे कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं माई कलेक्शन व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए आईबी आउटलेट्स मैंने क्रिएट कर दी हैं। अब स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ, और हर एक यहाँ पे जो क्लास है उसको सेव कर लेते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त हमारी जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन है वो वहाँ पे कोडिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर पाए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना इजी है ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस करना। देखने में चाहे आपको कॉम्प्लेक्स लगता होगा मगर जब आप खुद से करेंगे तब आप जान पाएंगे कि सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको बस बार बार करनी पड़ेगी। अब हमने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले मिल्क व्यू के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और कमेंटिंग लाइन को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। पहले हमने दो जो एरेज हैं वो क्रिएट करनी है। एक एरे हमने नेम्स को सेव करने के लिए यूज़ करनी है, और दूसरी एरे हमने इमेजेस का जो नेम है उनको स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं मिल्क वाला फोल्डर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे किस टाइप की इमेज होगी, किस टाइप की जो एरे है वो हमने यूज़ करनी है स्ट्रिंग टाइप की। पांच एलिमेंट्स जो हैं वो होंगे, हमने फाइव फाइव एलिमेंट्स लिए हैं हर एक कैटेगरी में। सबसे पहले इमेज का नेम अमूल गोल्ड, आपने जो एक्सटेंशन है वो साथ में नहीं लगानी, सिंपली नेम लिखना है, वो भी सेम वे के साथ लिखना है जैसा नेम आपने इमेज को यहाँ पे असाइन किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिल्क मदर डायरी, और इसी तरीके से हमने इसी वे के साथ जो है एक और एरे यहाँ पे क्रिएट करनी है प्रोडक्ट नेम
और ये होगी हमारी स्किन टाइप की। और सेम वे के साथ हमने जो नेम्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं। अमूल गोल्ड, ब्रिटानिया कॉफी डे, लैक्टल और यहाँ पे मिल्क मदर डायरी डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इसी तरीके से हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर आपने हर एक फोल्डर के लिए जो एरेज हैं वो क्रिएट करनी है। मैंने वैसे बाकी के लिए पहले से क्रिएट करके रखी हुई हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो पाए। अब हम यहाँ पे कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो मैं एक बार आपको कोडिंग बता देता हूँ। यहाँ पे मिल्क व्यू और यहाँ पे तीन यूआई एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले सॉरी यूआई एलिमेंट कह रहा था, यहाँ पे हमने तीन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। और अब हमने यहाँ पे इनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो हमने कोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो यहाँ पे मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो अब हमने इसके अंदर कोडिंग करनी है, तो कोडिंग काफ़ी ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन व्यू का मेथड है जिसके अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट नेम डॉट काउंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर होंगे उतने नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो सेक्शन के अंदर होंगी। अब हमने कलेक्शन व्यू का ही एक मेथड है जिसमें पैरामीटर है सेल फॉर आइटम एट, इसकी कोडिंग करनी है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल आइडेंटिफायर सेल इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे मिल्क सेल क्लास के थ्रू। तो ये बेसिकली मेथड है हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए। अब हम सेल के अंदर जो माई इमेज है उसकी इमेज को सेट करेंगे और इसके लिए यू आई इमेज को यूज़ करेंगे। नेम्ड पैरामीटर, डेटा कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट इमेज में से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो। अब हमने सेल के अंदर जो माई लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट नेम में से आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने एक बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इस बॉर्डर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम दो लाइंस की यहाँ पे कोडिंग करेंगे, सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, कलर कौन सा रखना है आपने यू आई कलर के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, ग्रे डॉट सी जी कलर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैं 2 रख देता हूँ। रिटर्न करूँगा यहाँ पे सेल। तो चलिए, ये मेरी जो कोडिंग है वो हो चुकी है कंपलसरी मेथड्स की। मगर मैं यहाँ पे हर एक रो के अंदर जो मैंने दो सेल यूज़ किए हैं, दो कॉलम यूज़ किए हैं, उनको सेम विड्थ के साथ जो है वो डिवाइड करना चाहता हूँ। तो उसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करूँगा, साइज़ फॉर आइटम एट। इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे, लेट साइज इक्वल टू कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट विड्थ माइनस 10। माइनस 10 हमने पैडिंग को यूज़ करने के लिए किया है, दो सेल्स के बीच जो पैडिंग है वो हमने करनी है, इसलिए -2 डिवाइड बाय 2 ताकि हम दो कॉलम्स में उसको जो है वो डिवाइड कर पाएँ। सी जी साइज और यहाँ पे विड्थ हम यूज़ करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो साइज़ निकल के आएगा दोनों को डिवाइड करके, दो से डिवाइड करके, और हाइट हम लेंगे 200। तो इस तरीके की कोडिंग जो है वो आपने करनी है। चलिए फ्रेंड्स, एक हमने कोडिंग यहाँ पे कर दी है। इसी तरीके से हमने सेकंड बटर व्यू के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने पहले तो मिल्क व्यू वाली जो कोडिंग है ये सेम कोडिंग हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। उससे पहले जो एरेज हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पे मैं जो कमांड वी के थ्रू जो है वो एरे का जो यहाँ पे दोनों एरेज हैं बटर व्यू के लिए वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो पाए। अब मैं इस कमेंटिंग लाइन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आप चाहें तो एरेज को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैंने मिल्क व्यू के अंदर जो सेम कोडिंग है इसी को कॉपी करना है और बटर व्यू के अंदर इसको पेस्ट करना है यहाँ पे। और चेंजेस क्या करने हैं, मिल्क व्यू की जगह पे आपने करना है बटर व्यू, और नीचे जो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की है इसकी जगह पे आपने करना है बटर सेल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। चलिए सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर चलते हैं और यहाँ पे भी जो एरे है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एरे मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेज के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे दो एरेज क्रिएट की हैं। बटर व्यू के अंदर जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू कोडिंग की थी इसको मैं कॉपी करता हूँ और सेम कोडिंग को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी पेस्ट करता हूँ। उससे पहले इन कमेंटिंग लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और चेंजेस क्या करनी है, आपने बटर व्यू की जगह पे आपने यूज़ करना है सॉफ्ट ड्रिंक व्यू, और जो टाइप कास्टिंग आपने यहाँ पे बटर सेल के थ्रू की थी वो अब हम करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक सेल के थ्रू, और इसको भी मैं सेव करता हूँ। और चौथे वाले फूड ऑयल व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पे पहले मैं एरेज को जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा। तो चलिए एरेज मेरे पास हैं बनी हुई, पहले मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं अब इस कमेंट लाइन को यहाँ पे डिलीट करता हूँ और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो मेरा कोड था एक्सटेंशन वाला उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और फूड ऑयल के अंदर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और चेंजेस क्या करनी है, सॉफ्ट ड्रिंक व्यू की जगह पे आपने लिखना है फूड ऑयल व्यू, और टाइप कास्टिंग जो आपने करनी है वो यहाँ पे करनी है फूड ऑयल सेल के थ्रू, और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे कोडिंग हमने कर दी है प्रॉपरली, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमारा रेडी है। अब मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ और नई ऐप को यहाँ पे बिल्ड और रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क कर पाती है। तो ऐप जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है विदाउट एनी एरर। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आती है। तो मिल्क वाला जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैब था वो सिलेक्टेड है, और डेटा भी प्रॉपरली कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ ग्रिड की फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है आप देख सकते हैं। अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉपरली डाटा फिर से चेंज हो चुका है। अगर मैं बटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के डिस्प्ले हो चुके हैं। फूड ऑयल पे क्लिक करता हूँ तो फूड ऑयल भी यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कैसे हमने टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है, और साथ में हमने नया कंसेप्ट भी एम्बेड किया कि कैसे हर एक टैब के अंदर हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, वो भी कस्टम कलेक्शन व्यू को। अगर आपको आज की एग्जांपल समझ में लग चुकी है किस तरीके से ये आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।